साथियों सभी को मेरा नमस्कार। और आप जैसे कि सभी जानते हैं कि आजकल कोविड 19 के इस अवधि में हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे विद्यालयों से संपर्क बनाए रखें और कैसे बच्चों से हम संपर्क बनाएं। तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं कि इस कोविड 19 अवधि में आप लोगों ने बहुत ही सहजता से और बहुत ही अच्छा काम अपने अपने स्तर पर किया और इससे जो है हमारे उत्तराखंड का नाम भी काफी अच्छी जगह पे स्थान पर आ रहा है। तो इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि आपने इस अवधि में बहुत अच्छा कार्य किया है। आज साथियों मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारी एक स्कीम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसके अंतर्गत लास्ट ईयर गत वर्षों में हमने आपने देखा है कि हमने 1300 विद्यालयों में काम किया था। और इस जो हमारी योजना है इसमें भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को भी मंजूरी इसमें प्रदान की गई है। शिक्षा नीति में विभिन्न नवीन शैक्षिक बदलावों के साथ एवं महत्वपूर्ण बदलाव प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषाई तथा गणितीय दक्षताओं की सार्वभौमिक संपत्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस हेतु प्रदेश में पूर्व से ही कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गत वर्ष आप लोगों ने 1300 विद्यालयों में काम किया था और इसमें इसे हमने संपन्न किया राजीव प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से और गटाइट एवं सारे उप शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से। प्रत्येक जिले में हमने ये कार्य किया और शिक्षकों के साथ ही जो है इसमें हमने बेसलाइन मिडलाइन और एंडलाइन से प्राप्त अधिगम स्तरों का समालोचनात्मक विश्लेषण किया और उसके बाद कुछ बातें हमें बहुत स्पष्ट होती गई कि जो यदि हम बच्चों के साथ जुड़े रहें, बच्चों से संपर्क करते रहें, बच्चों को हम फीडबैक लेते रहें या टीचर्स के साथ हम बार बार संवाद करते रहें या टीचर्स के साथ हम बार बार बैठकर उनसे मीटिंग्स करते रहें, उनको हम कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध कराएं जो बच्चे जो है जिसमें उसको पढ़ते रहते हैं और उससे पढ़ने से या टीचर्स को हम ऐसी सामग्री दें जिसके माध्यम से टीचर्स जो है वो बच्चों को एक संवाद स्थापित कर सकें, उनके साथ वर्कशीट्स के जरिए काम कर सकें। तो उससे जो है हमें बहुत अच्छे परिणाम इसको देखने को मिले लास्ट ईयर कि ये जो भी हमने प्रयास किए उससे हमारे रिजल्ट निरंतर बेसलाइन से फिर मिडलाइन में और मिडलाइन से फिर एंडलाइन तक हमारे निरंतर जो है वृद्धि होती रही। साथियों इसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इसमें हमने ये भी देखा कि जो बच्चों के मूलभूत बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उसको भी हमने क्लियर करने में उनको जो है सहायता मिली, क्योंकि जो हमारे टूल्स थे वो अजय प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा निर्मित किए गए थे और उसको उसके माध्यम से हम लोगों ने बच्चों के जो एंडलाइन बेसलाइन और तक हमने बेसलाइन से और एंडलाइन तक जो हमने बच्चों के साथ संवाद स्थापित किया और उसमें हमने जो भी टूल्स उनको दिए बच्चों ने उसको बहुत ही अच्छे से किया और उसमें कुछ चीज हमें समझ में आई कि बच्चे अभी तक एंडलाइन तक भी उन चीजों को नहीं समझ पाए हैं। उन जो भी आपके हमारे लर्निंग लेवल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए हमें और अभी मेहनत करनी है। साथियों इस साल एक और हर्ष का विषय है कि हमें इस साल समग्र शिक्षा के अंतर्गत इस जो हमने लास्ट ईयर अपने प्रयासों से ये काम किया था इस साल हमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत उसको प्रोजेक्ट के रूप में हमें ये कार्य मिला है और इस साल हम जो है 3340 स्कूलों में हम जा रहे हैं और इसमें भी हमें वैसे ही काम करना है जैसे कि हमने लास्ट ईयर किया था। लेकिन कुछ जनपदों में हम बेसलाइन नहीं कर पाए थे और अभी हम इसको भी बेसलाइन हम इस साल जरूर करेंगे। साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षक शिक्षा के कुछ इसी तरह के मॉडल की संस्तुति भी की गई थी। इसी तरह शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या 2009 में भी इस बात की वकालत करती है कि शिक्षकों को उनके शिक्षण में प्रभावी बदलाव लाने के लिए मदद करने के लिए उनके साथ संवाद और सहयोग में निरंतरता आवश्यक है जिसका सीधा असर बच्चों के सीखने के स्तर में दिखता है। व्यवस्थित तरीके से आशय शिक्षकों के किसी भी समूह से के साथ 6 से 9 महीने के समय सीमा में किसी विषय विशेष में शिक्षण में जुड़ी शिक्षकों की जरूरतों को आधार बनाकर उनमें निरंतर संवाद एवं यथोचित सहयोग से है। निरंतरता से यह आशय यहाँ पर यह है कि हम इन महीनों में जो महीनों में समूह में जो हमारे टीचर्स हैं या बच्चे हैं उनके साथ निरंतर हम संवाद और एक दिवसीय कार्यशाला एवं सोशल मीडिया के माध्यम से रोजमर्रा के शिक्षण अनुभवों का आदान प्रदान एवं शिक्षा
कर्मियों और टीचर्स के द्वारा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों का शिक्षण में सहयोग, यह निरंतरता दो स्तर पर जरूरी है। पहले शिक्षकों के साथ मीटिंग्स की निरंतरता और दूसरा संवाद की विषय वस्तु में परस्पर सुझाव के रूप में। तो जो भी आपके सुझाव हमें मिलेंगे उसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसमें आप जानते ही हैं कि सुझाव के बिना जो है कोई भी कार्य जो है अधूरा रहता है। तो अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस वर्ष की जो ओरिएंटेशन मीटिंग्स हैं आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, जनपदों में भी स्टार्ट हो चुकी है और राज्य स्तर से भी हम इसको करने वाले हैं शीघ्र ही। और आप जो भी वर्कशीट बच्चों के साथ तैयार करें या जो भी आप पैटर्न इसमें अपनाएं, चाहे आप ऑनलाइन अपनाएं, उसके माध्यम से आप बच्चों से जरूर जुड़े रहें। आप जिस तरह से आपने पिछले साल गत वर्षों में आपने हमें इसका कार्य आपने सफलतापूर्वक किया है, मुझे उम्मीद है इस साल भी आप लोग इसे सफलतापूर्वक करते रहेंगे। और साथियों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाषा और गणित किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शुरुआत के पाठ्यक्रम के लिए या शुरू में पाठ्यचर्या के लिए, बच्चों को सीखने और समझने के लिए। गत वर्षों में आपने ये भी देखा था कि लास्ट ईयर जब आपकी निष्ठा की ट्रेनिंग हुई थी तो निष्ठा ट्रेनिंग में भी हमने भाषा और सारी जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स थे उस पर हमने ध्यान दिया था। तो उसका आशय यही है कि हम भाषा से, यदि बच्चा भाषा समझता है तो हर विषय में जो है वो उसको समझने में कठिनाई नहीं होती है। तो आप कृपया करके इस वर्ष, हम पिछले साल हमने दो ही सब्जेक्ट लिए थे, हिंदी और मैथ्स, इस साल हमने एक सब्जेक्ट और जोड़ा है, इंग्लिश भाषा को हमने इसमें जोड़ा है। तो आप, मेरा सभी से अनुरोध है कि इन तीनों भाषा में आप अपना पूर्ण सहयोग देंगे और बच्चों से और टीचर से निरंतर अपना संवाद बनाए रखेंगे। धन्यवाद। और आपको मैं अगले आगामी वर्ष के इस कार्यक्रम के लिए बधाई देती हूं और जैसे जैसे हमारी स्थितियां सामान्य होती रहेंगी वैसे वैसे हम जो है और बच्चों के नजदीक जाते रहेंगे। धन्यवाद।